जिला रवि शर्मा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रवि नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति। स्वाति मेरा सवाल ये है कि मुझे LIC में 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं एनुअली, जी तो उसमें कौन सा ऐसा प्लान है जिससे मैं ज़्यादा बेनिफिट ले सकूं, लाइक रिटर्न एंड कवर? आपको रिटर्न भी चाहिए बढ़िया और आपको ठीक ठाक कवर भी चाहिए। हाँ, और जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 से 25 हज़ार बस एनुअली। क्यों लेकिन आप चाहते हैं कि अपने इंश्योरेंस नीड और अपने इन्वेस्टमेंट नीड को क्लब करना, जोड़ के चलना? आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और ऑप्शंस क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी PPF में कुछ पैसा लगा रखा है जो मुझे लगता है कि मेरे को टैक्स सेविंग और रिटर्न भी सही दे देगा। बट उसके अलावा मैंने अभी तक कोई LIC स्कीम नहीं ली और मैं चाहता हूँ कि LIC स्कीम लूँ, और लाइक जैसे कि जीवन आनंद है, जीवन क्यों है, मैं वही जानना चाहती हूँ रवि, आप क्यों LIC की कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, क्यों उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे वजह यही है ना कि आपका जो इंश्योरेंस हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस मींस सम टाइम में। अच्छा ये बताइए रवि कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है, कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली? फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी वाइफ है। आप इकलौते कमाने वाले मेंबर है घर के? नहीं, मेरे फादर हैं जो कमाते हैं और फिर मैं हूँ। ओके, और आपकी सैलरी कितनी है फिलहाल? मेरा 4 लाख का पैकेज है एनुअली। जी, और आपने कहा अभी तक आपका सिर्फ PPF में निवेश है, इसके अलावा आपने कहीं और पैसा निवेश नहीं किया है? नहीं, और कहीं पे भी निवेश नहीं किया। हर्ष क्या सलाह देंगे आप रवि को? खैर, रवि ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जब आप साथ में मिलाते हैं तो आपको नया ही अच्छा इंश्योरेंस मिलता है और नया ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। जो भी प्लान्स आपने कहे, जीवन आनंद है, जीवन सरल है, या और भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो प्लान हैं, ये जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, जीवन आनंद, जीवन सरल, दोनों ही ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, इसमें रिटर्न बहुत ही पुअर मिलता है। 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा और वो भी गारंटीड नहीं है। और चूंकि आप यंग हैं, आप क्या चीज़ के लिए सेव करना चाह रहे हैं? ये जो पैसा आप सेव करना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ के लिए सेव करना चाह रहे हैं? नहीं, फर्स्ट जो मेरी प्रेफरेंस है वो तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, कि मे बी कि लाइफ में कोई मिसहैप नहीं हो जाती है, तो कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए जो पेरेंट्स या किसी को भी मिल जाए। सेकेंडली ये कि हाँ, सेविंग के रूप में भी मैं देखना चाहता हूँ कि मे बी 10 to 15 years के बाद मुझे कुछ पैसा चाहिए अपने घर के लिए, या फिर कुछ भी मैं पर्टिकुलर लोन लेना चाहता हूँ, तो उस चीज़ में मेरी हेल्प हो जाए। तो रवि जी, अगर आप इस दोनों चीज़ों को अगर अलग अलग कर देंगे, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आपकी 4 लाख के हिसाब से रफली 40 लाख की इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, रफली, बाकी सारा आप ब्यौरा देख के कह सकते हैं। 40 लाख के इंश्योरेंस में सालाना आप 5,000 रुपये में आपको 40 लाख की इंश्योरेंस मिल सकती है, यानी महीनों के करीबन 500 रुपये भी नहीं, 450 रुपये में आपको 40 लाख की इंश्योरेंस 30 साल के लिए मिल सकती है। हर महीने सिर्फ आपको 450 रुपये के आसपास देने होंगे। अब रहा जो पैसे बचे हैं, आपको 15 से 20 हज़ार रुपये आपने कहा कि आप लगाना चाहते हैं महीने में, उसमें से 500 रुपये अगर इसमें भी चले गए तो बचे आपके पास 14,500 से लेके 24,500 तक, वो फिर आप अपनी, चूंकि आपको लंबे अरसे तक पैसे लगाने हैं तो आपको इक्विटी देखना चाहिए। अगर आप दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं इक्विटी में, तो आज की तारीख में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसको आप देख सकते हैं, और बाकी रेगुलरली भी अगर टैक्स सेविंग सिर्फ आपका इरादा नहीं है, और ये अमाउंट जो है ये सिर्फ टैक्स सेविंग में तो पूरी नहीं होगी, आपकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और वो आपको इक्विटीज़ में लगानी चाहिए, रेगुलर इक्विटी फंड्स में भी आप लगाइए, और थोड़ा बहुत दूसरे डेट में भी लगाइए। अगर PPF में पूरा एक्सपोजर हो चुका है, आप अपने वाइफ के नाम से भी ले सकते हैं। 10 से 15 साल का अगर आपका नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि 90% तक आप इक्विटी में लगा सकते हैं, 10% जो है आप PPF में लगाइए। इंश्योरेंस के लिए 500 रुपये ये लगाइए, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप देखिए, सिर्फ आप अपनी डेथ की के लिए ही कवर ना देखें, अगर कोई बीमारी की वजह से खर्चा आता है उसको भी कवर करिए। अगर आप कोई कारण से, बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज हो जाते हैं जी, तो उसमें जो कमाई पे इम्पैक्ट होगा उस कवर को भी आप देखिए, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखने से आपको एडेक्वेट इंश्योरेंस भी मिलेगा
और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो रवि शर्मा जी, आप एक टर्म प्लान तो ज़रूर लीजिए और प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने इंश्योरेंस के साथ मिलाकर मत चलिए, दोनों को अलग अलग रखिए, आपके लिए ही फ़ायदा होगा।